जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, जैसे कि इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर ही जनरेट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है उन्हें ही ये प्रॉब्लम होती है ना। बाकी लोगों का तो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे हर एक आदमी का मोबाइल नंबर आपके एमपीईबी में या आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रजिस्टर्ड है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आपको बिजली बिल या की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो आपके घर पे बिजली बिल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा डिले हो गया या फिर किसी और कारण से, या फिर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मान लीजिए कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज अ एड्रेस प्रूफ का काम करता है ना। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है या आपको जरूरत है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसे ऑनलाइन तरीके से ट्रेस करके निकाल सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आप अपने घर बैठे हुए मोबाइल फोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे या फिर पीसी पे कहीं भी निकाल सकते हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाले, तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने जोन का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जोन की अलग अलग साइट है। आप मध्य प्रदेश से अगर बिलोंग करेंगे तो 4 जोन है, जैसे कि MPEZ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश वेस्ट क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तो ये अलग अलग है। किसी भी स्टेट में हो हर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अलग अलग जोन होता है, तो मैं सबकी साइट बताऊंगा, आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको डाउनलोड करने के लिए अपने स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। अब मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सिंपल आपको सर्च रिजल्ट सर्च बॉक्स पे टाइप करना है। मान लीजिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एंटर करेंगे ये फर्स्ट आई एनर्जी राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन, इसको आपको ओपन कर लेना है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश एनर्जी लिमिटेड पे जाएंगे। तो मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं ये मैटर नहीं करता है, बस आपको वहाँ की ऑफिशियल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या एनर्जी की वेबसाइट पर जाना है। अब मान लीजिए मैं जैसे मध्य प्रदेश का बताऊं तो यहाँ पे अलग अलग जोन है, जैसे कि 4 जोन, तो यहाँ पर आप आएंगे यूजफुल लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं वो आपको वहाँ पर विजिट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूर्व क्षेत्र में जाऊँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इस पर आपको क्लिक करना है। आप सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी www.mpez.co.in की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर जैसे यूपी में बिल भुगतान करें और बिल देखें, इस पर आपको जाना है। तो यहाँ पर पूरे का सबका एक ही है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, अपना आप एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर या अकाउंट नंबर होता है उसे आप फिल करेंगे। अब आपके पास मान लीजिए अकाउंट नंबर नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा, ये मीटर में आपके लिखा हुआ होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से अगर नहीं मिलता है तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जा करके और वहां से अपना IVRS नंबर या अकाउंट नंबर ले सकते हैं। सेम वे जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप आएंगे तो आपको अपना बिल डाउनलोड करने के लिए, निकालने के लिए बिजली बिल, यहां एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड पे योर LTHT कंज्यूमर सर्विस बिल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके सामने योजना आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये थर्ड नंबर के जो ऑप्शन है व्यू एंड पे योर LT बिल, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये कुछ इनपुट बॉक्स आ जाएंगे जहां पर आपसे IVRS नंबर मांगा जाएगा। ये वही IVRS नंबर है जो कि यूपी में आपका अकाउंट नंबर है, तो आपको IVRS नंबर आपके बिजली के बोर्ड पे या फिर आपके मोबाइल पे या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिल जाएगा। उस IVRS नंबर को आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ईमेल भी है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। पेमेंट गेटवे पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी मान लीजिए अपन बिल डेस्क सेलेक्ट किए ले रहे हैं, और यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट ये कैप्चा को साइन करना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। आपके सामने ये इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर IVRS नंबर आपके बिल का, ट्रांजेक्शन नंबर किसके नाम पर है, कंज्यूमर का नेम, एड्रेस और कितना बिल है, और उसमें मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, क्या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, सब कुछ आ जाएगा। आपको अपना बिल यहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप यहां डाउनलोड बिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल यहां कॉर्नर पे देख सकते हैं डाउनलोड हुई है, और यहां पे नाउ का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करके इस बिल को पे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बिल डाउनलोड करना सिखा रहे हैं, तो यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे शो इन फोल्डर, तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी आपकी बिल की डिटेल आ चुकी है,
कौन रीडिंग लिया है, रीडिंग लेने वाले का क्या नाम है, किसके नाम पर ये बिल रजिस्टर्ड है, कनेक्शन का टाइप क्या है, फेस का टाइप क्या है और कितने की लोडिंग है, कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर सारा आपका अमाउंट कितना पेबल है वो सारा शो हो रहा है। इसे आपको प्रिंट करके निकाल लेना है और जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया और लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।